नमस्कार मार्केट दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। हर शनिवार को आधे घंटे के लिए कार्यक्रम आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप अपने शेयर बाजार से जुड़ी हुई तमाम उलझनों को सुलझा सके। हमेशा की तरह आज हमारे साथ स्टॉक एक्सपर्ट राकेश बंसल जुड़ रहे हैं जो कि आपके शेयर बाजार की तमाम उलझनों को सुलझाएंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मार्केट दिस वीक में, और साथ ही साथ दो हॉटलाइन नंबर आपके लिए खोल दिए गए हैं ताकि आप सीधे राकेश बंसल से जुड़ सकें, और जो नंबर है वो है 0112309763 और 2338682। अगर दिल्ली के बाहर से कॉल कर रहे हैं तो आगे 011 जरूर लगाएं। साथ ही जब आप सवाल कर रहे हैं फोन पर तो कोशिश कीजिए कि अपने फोन के जो टेलीविजन का जो वॉल्यूम है उसे म्यूट कर सके ताकि आपकी आवाज में इको ना आए और आपका सवाल स्पष्ट तरीके से हम तक पहुंच सके। शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन पिछला सप्ताह जिस तरह से उठा पटक भरा रहा, ऐसे में क्या कुछ रणनीति हो ये राकेश से जरूर समझ लेते हैं। राकेश क्या कुछ करें, पिछला सप्ताह काफी वोलेटाइल रहा, काफी उठा पटक देखने को मिली है, लगभग 4.5% तक बाजार टूटते हुए नजर आए, ऐसे में क्या रणनीति अपनाएंगे इस समय पर आप? देखिए अरुण जी, रणनीति बड़ी क्लियर और साफ है कि इस समय मेरा ऐसा मानना है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ना करते हुए एक लंबी अवधि का नजरिया बना के मार्केट की गिरावट को यूज करना चाहिए मार्केट में निवेश करने के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो काफी जो बड़ी करेक्शन ऊपरी स्तरों से देखने को मिल चुकी है और काफी स्टॉक्स जो हैं कई काफी निचले दायरों पर ट्रेड कर रहे हैं, और यही एक समय होता है जब एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। आप देखें 2008 में भी जब मार्केट में गिरावट आई थी तो भारत की को अंदरूनी कोई गड़बड़ नहीं थी और एक ग्लोबल मेल्टडाउन था, और उसमें भारत ने भी पार्टिसिपेट करा था, जिसने उस समय निवेश करा था उसको एक अच्छा रिवॉर्ड मिला था। इसी समय से आप देखें तो ये जो क्राइसिस है चाइना से शुरू हुआ, चाइना की वजह से यूएस में हमने गिरावट देखी, तब भारत में भी गिरावट आती हुई देखी, तो ग्लोबल मेल्टडाउन है। और जब भी ऐसा कोई ग्लोबल मेल्टडाउन होता है मेरा ऐसा मानना है कि उसको यूज करना चाहिए निवेश के नजरिए, निवेश के लिए यूज जरूर करना चाहिए। लेकिन जितने भी तमाम जो ब्लू चिप कंपनीज हैं उसमें हमने देखा काफी पिटाई हुई है उन तमाम काउंटर्स की, लगातार जितने भी जानकार जो बैंकिंग स्टॉक पे जो दाव लगा रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक हो गया फॉर दैट मैटर, यस बैंक, इंडसइंड बैंक, एसबीआई फॉर दैट मैटर, एक्सिस बैंक, इन सबके ने कम से कम 10-15% से भी ज्यादा का करेक्शन देखने को मिला है। तो इस समय पर क्या ये जो ब्लू चिप कंपनीज जिसने वो रैली मिस कर दी थी, इस समय पे क्या सही समय होगा एक्युमुलेट करने का, और अगर हाँ तो कौन से ब्लू चिप्स आपके रिडार पर होंगे? देखिए अरुण जी, जैसे आपने मेंशन करा कि काफी जो दिग्गज बैंक थे उन्होंने करेक्शन देखने को मिली, और इसका कारण है कि एफआईएस की एक बड़ी सेलिंग देखने को मिली है और एफआईएस ने ब्लू चिप्स को ही भेजा है, और मेरा ऐसा मानना है खरीदारी करनी चाहिए। अगर आप देखें तो डीआईज ने 2008 के बाद अगस्त 2015 में सबसे बड़ा निवेश करा है मार्केट के अंदर। काफी स्टॉक्स के नाम आपने लिए हैं जो भी फ्रंटलाइन ब्लू चिप कंपनीज हैं उनके अंदर स्कैटर्ड वे में निवेश करना चाहिए। एक चीज हमने और देखी है, ब्लू चिप्स से ज्यादा मिड कैप्स की ज्यादा पिटाई हुई है, कई सारे मिड कैप्स पे लोगों ने दाव ज्यादा लगाया था, मिड कैप्स ने काफी अच्छे रिटर्न्स भी दिए थे पिछले अगर एक साल का लेखा जोखा देखने की कोशिश करें, उन मिड कैप्स में तो ज्यादा गिरावट देखने को मिली है, तो जो ऑलरेडी निवेशित है मिड कैप काउंटर के अंदर क्या वो इस समय पे एवरेज आउट करें या फिर रखे रहें? हो सकता है ये पूरे साल में होते होते साल के अंत तक आते थे, क्या वो उनका वापस है ये जो लॉस है रिकवर हो पाएगा? देखिए अरुण जी, ऐसे कहना बड़ा मुश्किल है कि किस क्वालिटी का कौन सा मिड कैप है। अगर आप अमूमन आप शोज में देखते हैं कि लोगों के पास जीवीके, लैंको, इन्फ्रा, इस तरह के स्टॉक्स होते हैं, इनमें तो एवरेजिंग नहीं करनी चाहिए। जहां पे फंडामेंटल्स इंटैक्ट है, जहां पर कोई क्राइसिस नहीं है, कोई डेट नहीं है, बैलेंस शीट स्ट्रांग है, वहां पे निवेश करना चाहिए। और ऐसा नहीं अरुण जी कि मार्केट के अंदर एक वैसे ही आंखें बंद करके फ्री फॉल देखने को मिला है, कई मिड कैप काउंटर्स हैं। उदाहरण के तौर पर आप ग्रेन्यूल्स को देखिए, 130-132 का हाई है, 120 के अराउंड स्टॉक चल रहा है, कहां गिरावट आई है? ऐसा नहीं है कि अक्रॉस द मिड कैप स्पेस में आपको गिरावट देखने को मिली है। अगर आप फ्रंटलाइन के अंदर देखते हैं तो लुपिन ने कहां गिरावट में पार्टिसिपेट करा है, ग्लेनमार्क में भी ऐसी कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। मेरा ऐसा मानना है स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति अपना के निवेश करना चाहिए। चलिए ये जरूर देखेंगे कि वो स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या कुछ हो, कौन से स्टॉक्स को चुने, लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। महेश जुड़ रहे हैं सीधे बड़ौदा से हमारे साथ में। महेश बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट दिस वीक में, क्या सवाल है आपका? मुझे 180 लिमिटेड, दूसरा पीटीसी फाइनेंस सर्विस और टीटागढ़ वैगन। टीटागढ़ किस भाव पर है? मैं 108 पे लिया था 100 से। और पीटीसी? PTC 58 में लिया था। ठीक है, और तीसरा कौन सा काउंटर बताया आपने? गति लिमिटेड 199 में। ठीक है राकेश, दो स्टॉक तो मैं समझ गया, तीसरा स्टॉक सब समझ पाए? हाँ देखिए, शुक्रिया महेश आपने कॉल किया, आप अपनी राय क्या देंगे? देखिए इनके पास पीटीसी फाइनेंशियल है, टीटागढ़ वैगन है और गति है। अगर आप देखें तो गति काफी महंगी खरीद है इनकी, और गति काफी समय से अंडर परफॉर्म कर रहा था,
मुझे गति ना तो ट्रेडिंग के नजरिए से ना निवेश के नजरिए से स्टॉक बढ़िया लगता है। मेरा ऐसा मानना है किसी भी उछाल पे यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर इसी स्पेस में रहना है तो वीआरएल लॉजिस्टिक्स काफ़ी अच्छा लगता है, उस तरफ रुख करना चाहिए। और जो पीटीसी फाइनेंशियल है उसकी भी खरीद इनकी महंगी है, वहाँ से स्टॉक काफ़ी नीचे चल रहा है। अगर मैं इनकी जगह होता तो पीटीसी फाइनेंशियल से पैसे को निकालता और पैसे को निकाल के मैं फ्रंटलाइन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे आपने उदाहरण के तौर पर एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक का नाम लिया, कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पे निवेश करता। क्योंकि अगर ये वहाँ पे निवेश करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि साल डेढ़ साल में एक तो नुकसान की भरपाई कर पाएंगे प्लस एक डिसेंट सा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि जो सलाह राकेश ने दी है आप अपने आप को वर्कआउट करेंगे और हो सकता है आप अच्छे मुनाफे भी बाद में कमाएं। सीधे चलते हैं इंदौर, हमारे साथ अंकुर शर्मा जुड़ रहे हैं। अंकुर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट इस वीक में। क्या कुछ सवाल है आपका शेयर बाजार को लेकर के? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, थैंक यू वेरी मच सर। मैं जानना चाहता था कि मैं एक नए निवेशक के रूप में अगर शुरुआत करूँ ठीक है, इस वक्त में क्या सही रहेगा और कौन सा ऐसा सेक्टर है जो मुझे चूज करना चाहिए एक नए निवेशक के रूप में, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात ना करूँ और केवल शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बात करूँ? एक चीज समझना चाहूंगा आपसे, आपकी एज क्या है और कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि हमको एक आइडिया आ सके। सर मैं 28 साल का हूँ और मैं अराउंड 5 से 10 लाख इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहा हूँ, नए निवेशक के रूप में केवल एक ट्राई करना चाहते हैं इस बार। ठीक है, एक चीज और समझना चाहूंगा कि आपने अपने लिए इंश्योरेंस या पीपीएफ या एफडी ऐसा कुछ कराया हुआ या फिर केवल आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं? जी सर, मैं अभी स्टार्टिंग करना चाह रहा हूँ केवल स्टॉक मार्केट से। ये सारी चीजें तो एक मेरे हिसाब से एक अलग तरीके से मायने रखती है और स्टॉक मार्केट एक मेरे हिसाब से एक नया सिग्नल है। चलिए ठीक है, जानने की कोशिश करते हैं राकेश। राकेश, 5 से 10 लाख के आसपास ये पैसा लगाना चाहते हैं, 28 साल की उम्र है, काफी अग्रेसिवली मेरे ख्याल से जा सकते हैं अगर थंब रूल के हिसाब से भी समझने की कोशिश करें। कौन से सेक्टर्स आपको लगता है रेडार पर होंगे और अगर आप स्टॉक्स भी सुझा सके अगर उसी सेक्टर के अंदर? बिल्कुल अरुण जी, लेकिन इनको कहना चाहूंगा इनका नजरिया शॉर्ट टर्म है और मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, एक तो नजरिए को बढ़ाएं। आपका बड़ा अच्छा है आपने निवेश करने से पहले पूछा, कम से कम मैं आपको बोलूंगा 1.5 साल का एक नजरिया रखें। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने बोली कि ये सही समय है, देखिए मार्केट एक करेक्टिव मोड में चल रहा है और मेरे को लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए, बट फर्दर डाउनसाइड यहाँ से रूल आउट नहीं की जा सकती जिस तरीके से ग्लोबल वोलेटिलिटी है। और मार्केट में निवेश करने का कोई सही समय नहीं होता है, जैसे अगर आप समझें कि अभी ग्लोबल वोलेटिलिटी खत्म हो रही है और अभी निवेश करते हैं 1.5 साल का नजरिया बना के, बट 3-6 महीने बाद अगर कोई नया अनसर्टन इवेंट सामने आ जाता है तब भी मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। इसलिए मार्केट हमेशा रिस्की होते हैं, कोई सही समय नहीं होता है। आप नए निवेशक हैं, आपको शुरुआत करनी चाहिए और मैं आपको ये चीज कहूंगा कि मार्केट जो होती है ये हमेशा एक रिस्की होता है, जिसके अंदर आप एफडी से ज्यादा रिटर्न की अपेक्षा करते हैं तो थोड़ा सा रिस्क भी एसोसिएटेड होता है। और एक ओल्ड सेइंग है, देखिए स्टॉक मार्केट्स आर मार्केट्स ऑफ रिग्रेट, आप खरीदते हैं तब आप रिग्रेट करते हैं कि कई बार बहुत नीचे चले जाता है, जब आप मुनाफा वसूली करते हैं तब स्टॉक कई बार ऊपर चले जाता है, अक्सर ऊपर जाता है तो भी आप रिग्रेट करते हैं, बट मेरे को लगता है ये सही समय है, आपको निवेश करना चाहिए। अगर आप 10 लाख रुपए लगाना चाहते हैं तो मैं आपको राय दूंगा कि अपनी पूंजी को 5 बराबर हिस्सों में बांटें। पहला आप आईटी पे नजर रखें, आईटी एक अच्छी उसने रिटर्न दी है। आईटी के अंदर मेरी जो पसंद है वो इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो है। दूसरा फार्मा पे नजर रखनी चाहिए, फार्मा के अंदर मैं आपको राय दूंगा लुपिन, सन फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा के साथ जाना चाहिए। बैंकिंग के अंदर, प्राइवेट बैंकिंग के अंदर इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक काफी अच्छे लगते हैं, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनको देखना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप देखें तो एलएनटी काफी अच्छा लगता है, इसके साथ जाना चाहिए। तो ये आपने कुछ पिक्स दी हैं, उम्मीद करते हैं आप समझ पाएंगे। देखिए जो 5 से 10 लाख रुपए आप जो निवेश करना चाहते हैं उसे 5 भागों में या 4 भागों में डिवाइड कर लीजिए, जितना भी आप स्टैगर्ड वे में लगाना चाहें, और आईटी, फार्मा, बैंकिंग, इंफ्रा, इस तरह से ये जो 4 जो सेक्टर हैं इसमें आप पैसे को डिवाइड करके इसमें आप पैसे को निवेश कर सकते हैं। जो भी दिग्गज कंपनी, जो ब्लू चिप कंपनी बताई, जैसे आईटी में इंफोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, या फिर बैंकिंग में इंडसइंड, आईसीआईसीआई, एक्सिस, इन तमाम के अंदर आप जा सकते हैं। एक बार रिसर्च जरूर करेगा क्योंकि आप जो अच्छा खासा अमाउंट लगा रहे हैं और उम्मीद करते हैं आप 1 से 1.5 साल के अंदर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकेंगे। फिलहाल रुड़की चलते हैं, दिनेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस समय पर। दिनेश स्वागत है आपका मार्केट दिस वीक में, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैंने ना केआरबीएल के 4 या 5 साल पहले शेयर ले गए 24 रुपए में। ठीक है, केआरबीएल लिमिटेड। ठीक है, और क्या जाना चाहते हैं आपको? तो मुनाफा हिंडाल्को,
हिंडाल्को मेरे पास 86 पे है और 95 पे है और 90 पे है, सबके 1000 शेयर है मेरे पास इन क्वांटिटी में। ठीक है, तो सर मैं इसके लिए रुक सकता हूँ या केआरबीएल के लिए रुक सकता हूँ? आप नेक्स्ट ये क्वेश्चन है कि मैं आगे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ तो कौन से ऐसे सेक्टर है जिसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ? चलिए, जो सेक्टर्स जिसमें निवेश किया जा सके वो तो आपको अभी राकेश ने बताया, ये जो चार जो पिक्स है, इंफ्रा है, बैंकिंग है, आईटी और फार्मा, पहले भी अच्छा खासा रिटर्न्स दे चुके हैं और उम्मीद यही कि आगे भी अच्छा रिटर्न देंगे। लेकिन जो केआरबीएल और हिंडाल्को, केआरबीएल 24 रुपए की बाएंगे और 150 रुपए के आसपास चल रहा है, पैसा निकाल लें या फिर रखे रहे अभी भी? देखिए, मिड कैप काउंटर है, एक अच्छा रिवॉर्ड दिया है स्टॉक ने, अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो केआरबीएल में बने रहना चाहिए। देखिए, आप हिंडाल्को का जो इनका दूसरा प्रश्न है, इस तरह के आसपास ही आपने काफी बार, तीन बार क्वांटिटी खरीदी है, अगर आपको एवरेजिंग भी करनी हो तो मैं राय दूंगा कि 10-10% की डिक्लाइन की तो वेट करनी चाहिए। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, आपकी रिसेंट बाइंग है हिंडाल्को की, और आप पेपर टीवी कहीं भी उठाते होंगे तो हर जगह एक मेटल्स में एक अनसर्टन माहौल बना हुआ है, जब मार्केट एक रैली दिखा रहा था तब भी मेटल्स के अंदर एक रैली नहीं आ रही थी। मैं आपको राय दूंगा कि ये एक स्तर है जहां पर एक अच्छे निवेश के लिए दूसरे सेक्टर्स उपलब्ध हैं, उदाहरण के तौर पर फार्मा, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। मैं आपको राय दूंगा यहां से पैसे को, हिंडाल्को से पैसे को किसी भी उछाल पे स्विच करें दूसरी जगह पर। ठीक, तो हिंडाल्को में कहीं ना कहीं रेड सिग्नल देते हुए राकेश बंसल और साफ तौर पर कहते हुए कि केआरबीएल के अंदर मुनाफा है, चाहे तो ले सकते हैं, अच्छा खासा आपको मुनाफा हो ही चुका है, लेकिन यहाँ से बैंकिंग सेक्टर या फिर जो ब्लू चिप जो फ्रंटलाइन है उसमें आप निवेश करेंगे तो आपको अच्छे रिटर्न्स कमाने की वहां पे उम्मीद होगी। कल्पेश किशन हमारे साथ जुड़ रहे हैं अहमदाबाद से। कल्पेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या सवाल है आपका? हेलो जी कल्पेश, आपकी आवाज आ रही है, अपना सवाल कर सकते हैं। कल्पेश, आपकी आवाज मुझ तक आ रही है, आप अपना सवाल कर सकते हैं। या प्री हैप्पी जन्मा, प्री हैप्पी जन्माष्टमी, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल व्यूअर्स टू। जी, मैं दो क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा। ठीक है, एक माइक्रो और एक मैक्रो। ठीक है, ये जैसे जन्माष्टमी एक जनरली डाइस गेम गिनी जाती है, तो ऐसे पैनी स्टॉक एक न्यू टेक है, तो अभी 45 पैसे चल रही है, तो हाउ अबाउट इन्वेस्टिंग इन इट। ठीक है, अगला सवाल बताइए। दूसरा क्वेश्चन, ऐसे तो यूएस में सेइंग कि जॉब्स अच्छे जा रहे हैं, यानी अनएम्प्लॉयमेंट घट रही है और मार्केट क्रैश हो रहा है, इसका कोरिलेशन क्या है? ठीक है, आपका सवाल, जी आपका सवाल मेरे पास आ गया, मैं समझ गया आपका सवाल, इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जो पेनी स्टॉक के बारे में इन्होंने पूछा है, क्या उस पर आपका कोई व्यू रहेगा और यूएस में जैसा कि कोरिलेशन समझाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, यूएस में क्या है कि जॉब डाटा बहुत अच्छा आया है, तो यही तो घबराहट है कि डाटा अच्छा है तो इस बार सितंबर में रेट हाइक देखने को मिलेगा, उसी कारण से मार्केट में एक नर्वसनेस है और इसी कारण से ग्लोबल मार्केट्स भी पूरी तरह से वोलाटाइल हैं और यही कारण है कि मार्केट्स में गिरावट देखने को मिली है। दूसरा जो आपका एक पेनी स्टॉक है, उससे मैं आपको दूर रहने की सलाह दूंगा। अगर एक पुरानी कहावत होती है, ऐसे स्टॉक्स को आप खरीदते हैं तो कई बार दलाली महंगी पड़ जाती है। दूसरा, मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को ये राय देते हैं, जैसे आप 45 पैसे का शेयर खरीदना चाह रहे हैं, कई लोग होते हैं 10,000, 20,000, 25,000 शेयर खरीदते हैं, तो उनको मैं राय देता हूं कि आप शेयर ना खरीद के 5-स्टार होटल में खाना खाइए, फैमिली तो खुश होगी। और कहीं आप 2-4-5 लाख शेयर खरीदने की सोच रहे हैं तो मैं आपको राय दूंगा अपनी फैमिली को कहीं बाहर ले जाएं हॉलीडे पर, वो एक ज्यादा अच्छा विकल्प है। यहां पर अगर आप ऐसे स्टॉक को खरीदेंगे तो आपको दलाली वाकई महंगी पड़ेगी। चलिए, तो पेनी स्टॉक यानी कि जो ऐसे स्टॉक होते हैं 30 पैसे 10 पैसे 50 पैसे, यानी फेस वैल्यू से भी काफी जो कम चल रहे हैं पेनी स्टॉक्स, इनसे दूर ही रहिए, हो सकता है महंगा पड़ जाए आपको ये सौदा, इससे अच्छा तो कहीं घूमने चले जाइए, ये राय आती हुई राकेश बंसल की। और जिस तरह से अनुमान अब लगाया जा रहा है कि जिस तरह से रिकवरी पे यूएस जा रहा है, तो हो सकता है कि ब्याज दरों में यहाँ पे बढ़ोतरी हो, जिसका कास्केडिंग इंपैक्ट तमाम और इमर्जिंग इकोनॉमी और साफ तौर पर भारत पे भी देखने को मिल सकता है। तो शायद यही वजह है जिसकी वजह से जो भारतीय बाजार या फिर जो और तमाम बाजार है उसमें कहना कि थोड़ा बहुत एक पैनिक सेलिंग का या फिर थोड़ी बहुत सेलिंग देखने को मिल रही है। लेकिन चलिए अब आगे चलते हैं। मोहम्मद सलीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से जुड़ रहे हैं। सलीम साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। सर आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल बढ़िया सर, अपना सवाल बताइए। सर राकेश जी से पता करना था कि एक्चुअली मैंने 3 स्टॉक चूज किए अपने लिए। एक तो बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, सेकंड केपीआईटी टेक्नोलॉजी,
ठीक है, और थर्ड है ग्लेनमार्क फार्मा। ओके, तो एक्चुअली क्या है, बैंक ऑफ इंडिया का भी लगता है फंडामेंटल बहुत अच्छे हैं, और ये बहुत मतलब पीएनबी से तो अच्छा ही है। हाँ। और उसके उससे भी डाउन चल रहा है। और सेकंड, केपीआईटी की जो कमेंट्री थी पहले, उन्होंने साफ बोल दिया था कि हमारे ये कुछ इश्यू रहेंगे, है ना, मतलब मुझे लग रहा है इनका पैजर काफी अच्छा है। और सेकंड, जो ग्लेनमार्क तो आप जानते ही है कैसी कैसी कंपनी है, बिल्कुल, तो कैसा रहेगा लगाना इनके बारे में बता दीजिए प्लीज। अच्छा, तो ये भी लगा कि आप सब कुछ कंपनियों के बारे में जानते ही हैं, आपको तमाम खबरें पता ही है तीनों कंपनियों के बारे में, रिसर्च करके बैठे हैं आप पहले से। लेकिन एक चीज समझना चाहूंगा सलीम साहब, कि कितना और रुकना चाहते हैं तीनों ही काउंटर्स में आप इस समय पर? एक्चुअली मैंने अभी परचेज किया, मैं जब फॉलिंग हुई थी तो मैं आउट हो गया था मार्केट से फौरन। अच्छा, तो आप खरीदने की सोच रहे हैं इसको? जी हां जी जी, तीनों ही काउंटर्स को। ठीक है, जान लेते हैं क्या कुछ राय आती राकेश की। राकेश, रिसर्च तो करके बैठे हैं, लेकिन आप अगर कुछ ऐड कर सके। देखिए, पहले मैं बैंक ऑफ इंडिया पे बात करता हूँ। आपने बैंक ऑफ इंडिया को पीएनबी से कंपैरिजन करा, वो मेरे को लगता है गलत कंपैरिजन है। पीएसयू में अगर मेरे को पैसे को लगाना हो तो मेरी पहली पसंद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होगी, फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा होगी। इन दो बैंक को छोड़ के हम किसी भी बैंक को, पीएसयू बैंक को, अपने क्लाइंट्स को बाइंग के लिए रिकमेंड नहीं कर रहे। मैं आपको भी सलाह दूंगा कि पीएसयू बैंक में अगर इन्वेस्ट करना हो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉलोड बाय बैंक ऑफ बड़ौदा, इन दो बैंक्स पे स्टिक करें। अगर आप आईटी में निवेश करना चाहते हैं, केपीआईटी टेक, मैं आपको चीज बताना चाहूंगा। देखिए, जो हमारी लार्ज कैप आईटी कंपनीज हैं जैसे इंफोसिस, टीसीएस वगैरह, अगर आप ग्लोबल स्केल पे देखेंगे तो ये काफी छोटे स्तर की कंपनीज हैं और काफी ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट रहता है। अगर मैं आपकी जगह हूं तो मैं फ्रंटलाइन आईटी के साथ जाना चाहूंगा। फ्रंटलाइन आईटी में मेरी जो बेस्ट पिक होगी वो इंफोसिस है। अगर मैं मिड कैप में किसी स्टॉक को हम रिकमेंड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को तो वो ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर है। मैं आपको भी ये राय दूंगा कि आईटी में इंफोसिस लार्ज कैप में और मिड कैप के अंदर ज्योमेट्रिक के साथ स्टिक करें। एंड अरुण जी, तीसरा स्टॉक कौन सा है इनका? तीसरा में ग्लेनमार्क फार्मा। देखिए, ग्लेनमार्क फार्मा एक अच्छा स्टॉक है, मार्केट के डिक्लाइन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ग्लेनमार्क फार्मा पे हमारी बाइंग कॉल है, अपने क्लाइंट्स को भी हमने रिकमेंड किया हुआ है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं राकेश की राय, अगर आप रिसर्च करेंगे अच्छे से और इस राय का भी अगर आपको कुछ फायदा मिल सके तो आप, उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आप अच्छा खासा रिटर्न ही कमाएंगे। चलिए पटना चलते हैं, अनुज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुज, स्वागत है आपका, क्या कुछ सवाल है आपका? नमस्ते सर, बात करना था जी, जो हेलो सर, अपना टेलीविजन का जो आवाज है उसे म्यूट कर दीजिए, फिर बात कीजिए, आपकी आवाज फिर क्लियर आएगी। हेलो, हाँ सर, सर जो अनुज, क्या आप हैं हमारे साथ में? चलिए, अनुज से संपर्क टूट गया था, जो स्वाभाविक था, जब टीवी का वॉल्यूम खुला रहता तो इस तरह की दिक्कतें आती हैं। बस हो गया था, थोड़ी सी बात करना था कि जो नॉन बैंकिंग का है, तो पीएसएल कंपनी था सर, सीवी ने उसको ऑर्डर दिया कि 3 महीने के अंदर में पेमेंट दीजिए, तो उसका पेमेंट नहीं मिल रहा है, क्या सर इसके बारे में? आपका सवाल नहीं समझ पाएगा, फिर से दोहराएंगे सर। एक पीएसएल नॉन बैंकिंग कंपनी था सर, ये ऑल इंडिया ओवर में चल रहा था सर, दिल्ली में इसका गोपाल दास भवन में इसका ऑफिस था सर, सेबी ने ऑर्डर दिया था कि 3 महीने के अंदर सभी को पैसा लौटाइए, लेकिन सर अभी तक रिफंड नहीं हो रहा। राकेश, कुछ समझ पा रहे हैं आप सवाल? देखिए, इनका कुछ किसी कंपनी में कोई पैसा फंसा हुआ है, सेबी का ऑर्डर है, इस चीज पे तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये जो कार्यक्रम है जो हम आधे घंटे के लिए आपके लिए लेकर के आते हैं, ये सिर्फ शेयर बाजार से जुड़ा हुआ है। जो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ सवाल है वो हम अपने कार्यक्रम मनी मंत्र के अंदर लेते हैं, जो कि रविवार को दोपहर 1:30 बजे आता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, बिनी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से। बिनी, क्या आप हमारे साथ हैं? नमस्कार जी, अपना सवाल कर सकते हैं बिनी आप? सर, मेरे पास शाम के कर्ज में आप दे रहे हैं स्टॉक, एक बार फिर से दोहराएंगे आप? ठीक है, तो मैंने 51 थी, तो लेकिन ठीक है। इसके अलावा और कोई स्टॉक पे आप जानना चाहते हैं बिनी? ठीक है, आप तानला सॉल्यूशंस की बात करें? बिल्कुल अरुण जी, देखिए तानला सॉल्यूशन का मुझे स्टॉक पसंद नहीं है, टेक्निकली भी स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, और मैंने पिछले 2-2.5 साल में कभी इसको ट्रेडिंग के नजरिए से भी कभी रिकमेंड नहीं करा है, और मेरी राय होगी किसी भी उछाल में यहाँ से निकलना चाहिए। चलिए, तानला सॉल्यूशंस 25 के आसपास है, इसमें से निकलने की सलाह साफ तौर पर आती हुई, ना कि ट्रेडिंग के लिहाज से भी बहुत अट्रैक्टिव नहीं लगता है, तो उसमें से आप एग्जिट कर सकते हैं और किसी और स्टॉक जो लगातार राकेश बता रहे हैं इसमें आप निवेश की रणनीति बना सकते हैं। केपी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। सिंह साहब, स्वागत है आपका मार्केट इस वीक में। नमस्कार सर जी, सर सवाल कर सकते हैं आप अपना? जी, मैं राय जानना चाहता हूँ टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी और सेंचुरी प्लाईवुड।
टाटा, आपने इन तीनों ही स्टॉक्स को खरीदा हुआ है या फिर आप खरीदने की सोच रहे हैं? मैं खरीदने की सोच रहा हूँ। एक और चीज समझना चाहूंगा कि कितने अवधि के लिए लेना चाहते हैं, मतलब लंबे समय के लिए या फिर ट्रेडिंग के लिहाज से नजरिया है आपका? लगभग 3 to 5 years, 3 to 5 years का। ठीक है, चलिए जान लेते हैं। टाटा मोटर्स, सेंचुरी प्लाईबोर्ड और तीसरा कौन सा काउंटर बताया सिंह साहब आपने? मदरसन सुमी। ठीक है, क्या कुछ करेंगे राकेश? देखिए, आपके नजरिया बहुत बढ़िया है, आपने स्टॉक भी बढ़िया चूज करें एक्सेप्ट फॉर सेंचुरी प्लाईवुड। मैं सेंचुरी प्लाईवुड को निवेश कैटेगरी में नहीं डालता हूं, हालांकि एक अच्छी रैली दिखाई है स्टॉक ने। आपका टाटा मोटर का स्टॉक बहुत बढ़िया है, टाटा मोटर को निश्चित तौर पर खरीदना चाहिए, लंबी अवधि का नजरिया है। मुझे लगता है स्टॉक एक बार मार्केट ठीक होगा तो 600 रुपए तक के भाव पर में देखने को मिल सकते हैं। मदरसन सुमी एक अदर ऑटो एंशनरी कंपनी है, और एक चीज आप देखिए, 2008-09 में जिस तरीके से फार्मा कंपनीज होती थी, उस तरीके से मुझे लगता है आज के दिनों में ऑटो एंशनरी कंपनीज है, और काफी अच्छा स्पेस रहेगा आने वाले समय के लिए निवेश के नजरिए से। आपने वन ऑफ द लीडर्स को चूज करा है, काफी अच्छा है इसका आरओई है। इन दोनों स्टॉक्स में आप निवेश करें। सेंचुरी प्लाईवुड से मैं आपको राय दूंगा कि इसको अवॉइड करना चाहिए। राकेश, ये टाटा मोटर्स का जो DVR है वो 223 के आसपास चल रहा है, लगभग 100 रुपए कम टाटा मोटर्स से। तो क्या DVR में, जैसे डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स कहते हैं, इस काउंटर में आप जाने की सलाह देंगे या फिर आप टाटा मोटर्स के साथ स्टिक करने के लिए कहेंगे? देखिए अरुण जी, इन्होंने टाटा मोटर्स को चूज करा था। देखिए, दो चीजें अलग होती हैं। टाटा मोटर DVR में वोटिंग राइट नहीं होता है, डिविडेंड भी थोड़ा एक्स्ट्रा आता है, ये कई शेयर होल्डर टू शेयर होल्डर डिपेंड करता है। बट टाटा मोटर का DVR भी कंसिडर किया जा सकता है, आगे चल के कोई बड़ी बात नहीं है। टाटा मोटर का DVR पहला DVR बने जो किसी इंडेक्स में आए। चलिए, तो ये तमाम जो काउंटर्स पे आप नजर डाल सकते हैं, लेकिन सेंचुरी प्लाईवुड को आप अवॉइड कीजिए, और टाटा मोटर्स या फिर मदरसन सुमी, इसमें आप अगर निवेश करते हैं तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स की यहाँ उम्मीद आती हुई दिखाई देती है। चलिए, भास्कर हमारे साथ जुड़ रहे हैं आसाम से। भास्कर, क्या आप हमारे साथ हैं? हाँ सर, नमस्ते। जी सर, नमस्ते। म्यूचुअल फंड के बारे में पूछ सकता हूँ क्या? म्यूचुअल फंड्स के बारे में? हाँ जी, चलिए पूछ लीजिए। राकेश व्यू तो आई थिंक एक जनरल व्यू दे ही देंगे, आप सवाल तो कर ही सकते हैं। हाँ ठीक है सर, मेरा SBI का फार्मा और स्मॉल एंड मिड कैप फंड का फंड है। ठीक है, लेकिन लास्ट ईयर से वो डीग्रोथ में आया है, तो उसको मैं क्या करूँ सर, कंटिन्यू करूँ या कोई दूसरा फंड उसको चेंज करो? ठीक है राकेश, क्या कोई कमेंट करेंगे या फिर? देखिए, फार्मा फंड ने तो अच्छी रिटर्न दी है, बट ये कहना बड़ा मुश्किल है जो फंड इनका है उनका किस किस कंपनियों में एक्सपोजर है और स्मॉल एंड मिड कैप है, कब निवेश करा है। अगर मार्केट के पीक में निवेश करा है तो पेन होगा, अगर निवेश पुराना है तो अच्छी रिटर्न है। एज ऑफ नाउ किसी म्यूचुअल फंड पे कमेंट करना उचित नहीं होगा ऐसे। चलिए, लेकिन हाँ, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा शो मनी मंथ 1:30 बजे आता है रविवार को, आप उसमें ट्यून इन करके अगर ये टॉपिक उस समय पर डिस्कस हो रहा है तो आप अपना सवाल वहां पे रख सकते हैं। लेकिन हाँ, फार्मा सेक्टर ने अच्छा खासा जिस तरह से रिटर्न दिया है तो फार्मा सेक्टर के लिए कहीं ना कहीं राकेश यहाँ पे पॉजिटिव। राजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश से। श्रीवास्तव साहब, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? नमस्ते सर, सवाल कर सकते हैं आप अपना? हाँ, मेरे पास कैंसर टेक्नोलॉजी के 20 शेयर हैं जो मैंने 580 पे खरीदा है। ठीक है, और होल्ड करूँ या बेच दूँ? ये 2 महीना हुआ मैंने मेरे को, अभी मैं साल भर होल्ड कर सकता हूँ? आप साल भर होल्ड कर भी सकते हैं, ठीक है। और जेंसर टेक्नोलॉजी से आप कह रहे हैं ना? हाँ, 580 पे लिया है। ठीक है, और चलिए ठीक है, समझ लेते हैं क्या कुछ करें। जेंसर में अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, 300 रुपए के आसपास का मुनाफा हो गया, क्या कुछ करें राकेश? देखिए, अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, मैं तो राय दूंगा कि मुनाफे को वसूल करना चाहिए, और जो बीटन डाउन स्टॉक्स हैं, जो फ्रंटलाइन प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग है, ऑटो स्पेस के स्टॉक्स हैं टाटा मोटर जैसे, यहाँ पर लंबी अवधि का नजरिया बना के निवेश करना चाहिए, क्योंकि जो अगली जब रैली आएगी तो नए लीडर्स बनेंगे। चलिए, तो अगली रैली में नए लीडर्स बनेंगे। लेकिन राकेश, कई सारे स्टॉक्स पे हमने बातचीत की है, शो को अब समाप्त करने का भी समय आ गया है, लेकिन आपसे डिस्क्लेमर लूं, उससे पहले एक छोटा सा सवाल जरूर पूछना चाहूंगा। बाजार कभी 600 पॉइंट गिरता है, फिर कभी 300 पॉइंट चढ़ता है, ऐसे में क्या कुछ करेंगे आप? देखिए अरुण जी, काफी अच्छी चीज है कि एक रिटेल सब निवेशकों को समझ में आता है जो मार्केट में है कि मार्केट्स वोलेटाइल होते हैं और पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, पैसा लंबी अवधि में ही कमाया जाता है। मेरा ऐसा मानना है जो लोग जिस तरीके से बाजार वोलेटाइल हो रखा है, ट्रेडिंग मार्केट में अवॉइड करनी चाहिए और इस समय लंबी अवधि का नजरिया बना के मार्केट में निवेश करना चाहिए। एंड एज अ डिस्क्लेमर, जिन भी स्टॉक्स में बात करी है, जिनको मैंने रिकमेंड किया है, कहीं मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, बट सेम राय हमने अपने क्लाइंट्स को भी दी हुई है। चलिए बंसल साहब, शुक्रिया, आप मार्केट दिस वीक पर आए, तमाम जो हमारे जो कॉलर्स हैं उन सबके जो भी जो उलझने आपने उनको सुलझा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।
तो आज के मार्केट दिस वीक में इतना ही, और मुझे दीजिए इजाजत, अगले शनिवार को फिर से आपके साथ जुड़ेंगे अगले आधे घंटे के लिए बिना किसी ब्रेक के। आप बने रहिए मार्केट दिस वीक के साथ अगले सप्ताह भी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।